हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं इमरान खान की स्पीच पर जो कि झेलम जलसे में उन्होंने दी है। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें झेलम पावर शो वर्सेस इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर कर टाइटल है। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्या उन्होंने वहाँ पर कहा था। खास तौर पर बिना देरी के स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। इमरान खान आया, इमरान खान आया, वीडियोस बनाना शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। झेलम, मैं आज आपके जज्बा और जुनून देख के आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्राउड बहुत ही खास तौर पे जोश में, जिस तरह आज हमारी ख्वातीन निकली हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। बहुत और देती कल के जलसे में बहुत, और मैं देख रहा हूं कि बच्चे भी हैं, क्योंकि अच्छा, और मैं ये जितने भी झंडे देख रहा हूं, मेरी आगे से आप सब से एक दरखास्त है कि तहरीक इंसाफ के झंडों से उतना ही जितना आप तहरीक इंसाफ के झंडे लेके आए उससे ज्यादा पाकिस्तान के झंडे लेके आए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। क्योंकि गोल्डन में मेरे पाकिस्तानियों, ये कमाल है भाई। एक मुल्क की जिंदगी में बहुत कम ऐसे होता है कि सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, सारी कौम फैसला करती है। सच में यार, सारी कौम फैसला करती है। ऐसा होता ही कहा है, हमने अपनी आजादी की जंग लड़नी है। जिधर जिधर मैं गया हूं, मैंने कभी इतने बड़े जलसे नहीं देखे। मैंने भी, मैं झेलम पहले भी आया लेकिन मैंने कभी झेलम में ऐसा जलसा नहीं देखा। इनका खुद का जलसा ऐसा नहीं होगा कभी पहले। और झेलम, उसकी वजह कि अल्लाह ने हमारे पे खास करम किया है। नौजवानों, गौर से सुनो, कुरान में अल्लाह कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा अल्लाह बनाता है। उसको टक्कर थोड़े ही दे सकते भाई। जो प्लान बनाया गया था, साजिश बाहर से हुई, एक डोनाल्ड लू अमरीकी अंडर सेक्रेटरी हमारे अमरीका के सफीर को बुला के तकबर में उसको हुक्म देता है कि अगर पाकिस्तान ने इमरान खान को हटाया नहीं, अदम एतमाद में ना हटाया, तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आएगा। और फिर साथ कहता
कि अगर पाकिस्तान ने इमरान खान को हटा दिया और चेरी ब्लॉसम को ले आए तो सब माफ कर दिया जाएगा और फिर सारी साजिश होती है, यहां के मीर जाफर और मीर सादिक उसमें शिरकत करते हैं। मीर जाफर 22 करोड़ की साजिश, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब हुकूमत वजीर आजम उसको साजिश के तहत निकाला जाता है। अवाम की तरफ से नहीं हटाया जाता, 22 करोड़ लोग नहीं हटाते। इस मुल्क की तौहीन की जाती है कि मुल्क को जो 30 साल से इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क को लूट रहे थे उनको ऊपर मुसल्लत किया जाता है और इसमें इसमें अल्लाह एक करम करता है हमारे पे कि हमारी कौम की गैरत जगा देता है, हमें बेदार कर देता है। उस कौम की जो कौम अठा, इसमें इन्होंने लेडीज़ को लिया, उनको उन पर गौर करते हुए उनकी बात की, इसमें बच्चों की बात की, इसमें बच्चों को देख रहा हूँ और लेडीज़ को देख रहा हूँ। यस, मैंने भी देखा, नोटिस किया यार, लड़कियाँ, औरतें और जो फीमेल लोग हैं इनके जलसे में, झेलम में मैंने बहुत तादाद में देखा, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और कुछ लोगों ने तो ऐसे कर वीडियो भी डाल रखी है कि वो देखो दूर दूर से घरों से जो लेडीज़ हैं, औरतें, उनकी वीडियो वायरल झेलम जलसे को देखते हुए दूर से। तो वैसा कुछ सीन था, बच्चे भी जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लोग उनके जलसे में पूरा पूरा जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैंने पहले भी झेलम में आया हूँ, ऐसा क्राउड नहीं देखा पहले भी, जहाँ जहाँ गए हैं पहले कभी ऐसा क्राउड नहीं देखा होगा। अब दौर दूसरा है, तब उनकी हुकूमत आ चुकी थी या फिर आने वाली थी, वो दौर दूसरा था। अब पब्लिक को पता है कि ये बंदा काम कर जा चुका है, सीट से हट चुका है, इसका काम कैसा है। अब उस बेस पर आई है पब्लिक कि इसने क्या किया है, उसके सपोर्ट में आई है पब्लिक। और सपोर्ट जब जिधर पब्लिक दिखा दे, 22 करोड़ की पब्लिक ने तो हटाया नहीं था ना, जैसे इन्होंने अभी बताया कि 22 करोड़ पब्लिक का जो PM था उसको कैसे हटाया गया, पब्लिक ने तो नहीं हटाया, किसी ने भी नहीं हटाया, लेकिन हटा दिया किसी तरीके से, साजिश कर मीर जाफर मीर सादिक कर इन्होंने एग्जांपल जो दे रहे थे। और ये सब कुछ इमरान रियाज खान भी क्लियर कर चुके हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में नहीं। सो वो चीज़ वो वीडियो मैं देख चुका हूँ। सो ये थी एक इम्पॉर्टेंट स्पीच झेलम जलसे की इमरान खान की। आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और क्या वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।